बेनिफिट्स मैंने गिन के इधर चार पांच डाले हैं, बट द बेनिफिट्स आर लिस्ट आएगा नहीं इसमें, इतने सारे बेनिफिट्स हैं. यू नेम इट यू विल हैव इट, बट वो एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए वो क्रिएट करने की. यस एवरीथिंग विल टेक टाइम, उस टाइम तक वो पेशेंटली हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा. जिस टाइम में हमें मिलेगा वो जरूर हो जाएगा. आकाशिक क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, वॉट एवर क्वेश्चन, सिर्फ सिंपली एक फ्रेम करना. प्लीज ऐसे मत पूछना व्हाट विल बी माय फ्यूचर, दैट मींस एज अ सोल यू डोंट नो व्हाट इज योर फ्यूचर. फिर आकाशिक रिकॉर्ड में जाके, जैसे हमारे पास पत्री देखने आते हैं ना, वो बोलते हैं व्हाट इज माय फ्यूचर प्लीज टेल मी, बट वी नीड टू ब्रेक डाउन इनटू पीसेस. व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर? किस एरिया में आपको फ्यूचर देखना है? रिलेशनशिप में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, या हेल्थ में चाहिए? किस एरिया में आपको देखना है? थोड़ा 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 करके उसको शॉर्ट करके लेके आना, बिकॉज फ्यूचर इज अ वेरी बिग थिंग. जब वो क्वेश्चन आप पुट करोगे तो वो इमीडिएटली ऐसे नहीं आएगा व्हाट विल बी योर फ्यूचर. पता चले आप लोगों को किसी जूस कॉर्नर में खड़े होके आप जूस पी रहे हो, वो इमेज आ जाए, फिर आप बोलोगे ये मेरा फ्यूचर है? क्या पता कल जूस ही पी रहे हो आप. सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन व्हाट डू यू वांट. फ्यूचर मीन्स कल मेरा इंटरव्यू है, क्या इसमें मैं पास होऊंगा, या मैं एक लड़की देखने जा रहा हूं, क्या ये क्लिक होगा. यू हैव टू पुट योर क्वेश्चंस वेरी क्लियरली, ताकि सामने जो आपको गाइड कर रहे हो, जो आपके खुद के एंजल्स हैं, वो आपको ढंग से आंसर आपको दे, वरना आपको आंसर ऐसे नहीं दे पाएंगे वो लोग. ऑफन द एंटायर एक्सपीरियंस विल बी लाइक अ ड्रीम. आप लोगों को एक ड्रीम जैसा कभी कभार लगेगा, तो दैट इज फाइन. बिकॉज क्या है, हम इतने भारी शरीर को लेके हम उड़ रहे हैं, बेसिकली वी आर फ्लाइंग, मेंटली वी आर फ्लाइंग. तो हम इतने दूर पहुंच के, इतने वो लाइट आवर्स बोलते हैं ना उसको, यहां से वहां तक जाना, इतने ट्रैवल कर चुके हैं कि वापस जब आते हैं वी फील डिजी. थोड़ा ऐसा लगता है कि सर ऐसे से हो रहा. अगर ऐसे सब हो तो जंपिंग जैक कर लेना, कोई एक्सरसाइज कर लेना, बिकॉज देन इट इज बिकमिंग कंजेस्टेड इन योर हेड.